वर्ष 2007 में जांजगीर जिले के कलेक्टर बारडाहा शाखा में 1,07,000 रुपयों के सामान का सप्लाई करने का भुगतान नहीं करने पर कोर्ट ने कलेक्टर की कार व अन्य सरकारी संपत्ति को कुर्क करने का आदेश सुनाया है। पिछले 15 सालों से कोर्ट में प्रकरण लंबित था, जिसके बाद कोर्ट ने यह फैसला सुनाया है। दुकान संचालक ने कहा कि अगर पहले ही उसका भुगतान कर दिया गया होता तो यह नौबत आती ही नहीं। जांजगीर जिले के न्यायालय में 15 वर्ष पुराने एक प्रकरण पर ऐतिहासिक निर्णय सुनाते हुए कलेक्टर की कार सहित अन्य संपत्तियों को कुर्क करने का आदेश दिया है। वर्ष 2007 में सिंघानिया जनरल स्टोर्स के संचालक ने कलेक्टरेट के बाढ़ शाखा में 1,07,000 रुपयों के सामान की सप्लाई की थी, जिसका भुगतान आज पर्यंत तक नहीं हो सका। पैसों के भुगतान के लिए दुकान के संचालक ने काफी प्रयास किया, लेकिन सफलता नहीं मिली, जिसके बाद वह कोर्ट चला गया, जहां 15 साल बाद यह ऐतिहासिक फैसला सुनाया गया है। कुल अमाउंट 1,07,000 रुपये हुआ था। 2007 से जो पैसा पेमेंट था वो इन्होंने अभी तक भुगतान मुझे नहीं किया है, और मैंने इनको कई बार रिमाइंडर लेटर के ऊपर लेटर देते रहा। इनसे मैंने अनेकों बार निवेदन किया कि बाढ़ राहत शाखा में मैंने जो सामग्री सप्लाई किया है, साहब उसका भुगतान मुझे किया जाए। तो ये जो फंड नहीं है, कभी बजट नहीं है, कभी लेने वाला कौन है हमको पता नहीं, ऐसा बोल के टालते रहे। अंत में निवेदन करते करते हार गया, तो हार के मैंने अपना जो आवेदन जो है, अपना निवेदन जो माननीय कोर्ट में लगाया, और माननीय जिला न्यायालय जांजगीर में ये आवेदन प्रकरण मेरा सुना गया। 2007 का जो प्रकरण अंततः 15 साल तक चला। इस विषय को लेकर जब हमने अपर कलेक्टर से बात की, तब उन्होंने कहा कि कोर्ट के आदेश को उन्होंने सही ढंग से नहीं पढ़ा है। आदेश का अवलोकन करने के बाद ही उनके द्वारा कुछ कहा जा सकेगा। उसको मैं पूरी तरह से देख नहीं पाया हूँ, उसको अवलोकन करूंगा। माननीय न्यायालय कोर्ट का आदेश था कुछ जो है ना, उसका अवलोकन करूंगा, उसके पश्चात ही बता पाऊंगा। देखते उसमें क्या कंडीशन बनती है, उसके संबंध में मुझे पूरी तरह जानकारी नहीं है। संपत्ति कुर्क को लेकर कोर्ट का आदेश आने के बाद सभी तरफ इसी बात की चर्चा हो रही है। बहरहाल देखने वाली बात होगी कि कलेक्टर की संपत्ति कुर्क होती है या फिर संचालक का पैसा वापस मिलता है। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए जांजगीर से महेंद्र कुमार के साथ भरत से चौहान की रिपोर्ट।